आज की जो रेसिपी है वो है पलटे पलटे। उसके लिए मैंने बेसन लिया है एक कप, साथ ही मैंने ली है एक हरी मिर्च, उसको मैंने चॉप कर लिया है। हल्दी पाउडर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे एक चौथाई चाय का चम्मच, और यह है चाट मसाला, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, यह है आधा चाय का चम्मच। गरम मसाला पाउडर है, यह है एक चौथाई चाय का चम्मच। नमक हसबे ज़ायका और पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, यह है आधा चाय का चम्मच। तमाम चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। एक खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर ऑयल शामिल कर दिया है, और अब इसको मिक्स करके मैं इसको छोड़ दूँगा 15 मिनट या आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दें। तो मैं इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देता हूँ, और उसके बाद फिर हम इसको फ्राई पैन पर तैयार करेंगे। इस तरह का ये बैटर तैयार होगा, और फिर हम इसके पलटे पलटे तैयार करना शुरू करेंगे। एक खाने का चम्मच मैंने इसमें ऑयल और शामिल किया है, तो उसके बाद इस ऑयल को मैं अच्छी तरह फैला लूँगा, और इसके बाद मैं इसमें अपने पलटे पलटे बनाना शुरू करूँगा। और ये अल्टे पलटे का जो बैटर था वो मैं इसमें अब शामिल करूँगा, और उसके बाद इसको फैला दूँगा। और अब इसको इस तरीके से आप फैलाएं, ये खुद ही बेहतर रहेगा, ये इस स्पून की मदद से इसको इस तरह से फैला दें। ये एक साइड तैयार हो गई है, तो मैंने इसको पलट दिया है, और अब मैं इसको पलटना शुरू कर रहा हूँ दूसरे हिस्से पर बहुत एहतियात के साथ। और इसको जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर हम इसको, जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके मैंने तैयार करेंगे, तो अगर स्लाइस कट में इसको हम लाल कर लेंगे, और हम इसको शामिल करेंगे दही के साथ ही। और यह है मेथी दाना, वो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा, थोड़ा सा मैंने मेथी दाना लिया है। पिसी हुई लाल मिर्च मैं इस्तेमाल करूँगा अपने जायके के हिसाब से, आधा चाय के चम्मच, आप इसमें एक चाय के चम्मच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक मैं इस्तेमाल करूँगा हसबे ज़ायका, और हल्दी लिए एक चौथाई चाय का चम्मच, ज़ीरा एक चाय का चम्मच, गरम मसाला एक चौथाई चाय का चम्मच, दही मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा एक पाव एक चौथाई, और मैंने इसमें प्याज शामिल कर दिया, और इसको लाल कर पैन में ऑयल डालकर मैंने इसके अंदर प्याज शामिल कर दिया, और इसको ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गई तो मैंने इसको निकाल लिया है, और ये मेथी दाना इस ऑयल के अंदर मैं शामिल करूँगा इस मेथी दाने को, इसको कड़कड़ाएंगे, उसके बाद इस मेथी दाने को मैं निकाल लूँगा, और फिर मैं अदरक लहसुन इसमें शामिल करूँगा। मेथी दाना कड़कड़ाने के बाद मैंने इसको निकाल लिया, और अब इसमें मैंने ऑयल के अंदर शामिल किया अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैंने इसमें डाल के इसको थोड़ा सा इसको मैंने सौते किया, इसको भून लिया, और इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ज़ीरा, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगा पिसी हुई लाल मिर्च, और मसाला अच्छी तरह से भून गया, तो अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है दही, और अब इसको अच्छी तरह से हल्की आँच करके इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब आधा कप पानी शामिल करके मैं इसको पकने के लिए छोड़ देता हूँ, और इसको कवर कर देता हूँ, और 15 मिनट के लिए मैं इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। 15 मिनट के बाद मैंने इसे कवर हटाया है, और अब मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ ये प्याज है, लाल प्याज जो ब्राउन प्याज थी उसको मैंने पेस्ट कर लिया पीस के, और वो इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। मसाला हमारा पक गया है, तो अब मैं इसके अंदर अपने ये अल्टे पलटे जो है इसमें शामिल कर रहा हूँ, और इसके बाद हम इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। अल्टे पलटे के तमाम पीसेस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए, और इसमें मैंने थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी शामिल किया बिल्कुल आधा कप से कम, और अब इसके बाद मैं इसको 15 मिनट के लिए हल्की आँच पर छोड़ रहा हूँ। 15 मिनट हो चुके हैं, और अब मैं इसका कवर हटा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और ये जो है देखिए आप पलटे पलटे हमारे तैयार हो गए हैं, और अब मैं इसमें डाल रहा हूँ गरम मसाला। रेसिपी हमारी तैयार हो गई है अल्टे पलटे की, और हमने इसको डिश आउट कर दिया है।
मेरी वीडियो को लाइक करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ हाशिम जा तैमूरी, शुक्रिया।